सो वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। सो मैंने काफी टाइम से मैं सोच रहा था कि एक कोई स्पेशल वीडियोस बनाई जाए, जैसे कि मैं नॉर्मली टॉपिक में ही जा रहा था तो टॉपिक से थोड़ा सा मैं सोचा कि आज कोई न्यू ट्रिक बताऊं अपने विद्यार्थियों को। सो फटाफट से आज हम इसमें सीखते हैं कोई एक्सेल की एक नई ट्रिक। एक न्यूमेरिक डेटा को कन्वर्ट करना होता है टेक्स्ट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं समझाता हूँ, फिर इसके बाद फॉर्मूले की तरफ निकल चलता हूँ मैं। वन क्या है, ये वन एक न्यूमेरिक है। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ तो ये वन एक टेक्स्ट है, दोनों का मतलब सेम है, वन एक, पर इसको लिखने का तरीका अलग है। पर अगर आपको ये इस डेटा में से आपको यहाँ पे फोर, यहाँ पे नाइन, यहाँ पे सेवन ऐसे लिखना पड़े तो आप किस फंक्शन का यूज करोगे? तो आपको यहाँ पे यूज करना है चूज फंक्शन। इंडेक्स नंबर क्या है आपका, ये इंडेक्स नंबर ये है वैल्यू वन। आपको फटाफट से यहाँ पे टाइप कर देना है, किसी के मार्क जीरो भी हो सकते हैं, आपको ये थोड़ा सा टाइप करना पड़ेगा, जीरो वन टू थ्री फोर सेकेंड फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन एंड टेन। आपको ऐसे सभी वैल्यूज को यहाँ पे लिखना है और आपको एंटर कर देना है। अब ये फॉर्मूला कंप्लीट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो इसको दिखा रहा है थ्री, तो एक कम दिखा रहा है। एक कम क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जीरो भी ऐड कर रखा है। तो वैल्यू वन क्या है यहाँ पे, वैल्यू वन तो जीरो ही है, वन मतलब जीरो है, टू मतलब वन है, और थ्री मतलब यहाँ पे टू है, मतलब कि एक पीछे का दिखा रहा है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे बी टू प्लस वन कर दूंगा, जैसे हम एंटर करेंगे तो जो भी वैल्यू थी वो आपको यहाँ पे शो करना शुरू करेगा। मैं इसको सेंटर अलाइनमेंट कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे इसको बोल्ड सेंटर अलाइनमेंट कर दिया है और यहाँ पे मैंने डबल क्लिक कर दिया। जैसे मैंने डबल क्लिक करा तो जो भी इनके स्कोर्स न्यूमेरिक में थे वो कन्वर्ट हो चुके हैं टेक्स्ट के अंदर। तो कुछ इस टाइप से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से कर सकते हो। आई होप आप सभी को ये फंक्शन समझ में आया होगा। सो दैट इज फॉर टुडे गाइस, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।